back to my channel. This is basically a Goa lookbook video jisme I'm going to be telling you guys what all I wore in Goa. So this was a very impromptu trip, right? Main ekdam se you know person type chalte hain aisa plan bana tha hamara and I couldn't shop a lot of things. So everything that I wore was just like mix and match from the wardrobe. I'm just going to be suggesting a few outfits jo aap beachy location pe pehen sakte ho. So yeah, without any further ado, let's get started. The first outfit was of course my airport OOTD. For people who don't know what OOTD is, it's outfit of the day. So airport pe you know travel karte hue of course you need a very comfortable, very casual outfit so that you are just like you can travel very freely. Kyunki yahan Delhi mein kafi thand thi and Goa of course wahan pe bahut garmi thi, so you had to you know make a balance. So I recently bought these white sweatpants jiske sath maine apni ek t-shirt pehni jo Zara ki thi. Ye dono cheeze nayi thi, maine abhi tak pehni nahi thi, so I thought this was the perfect thing to wear. And because yahan Delhi mein winters thi, so I just took a denim jacket over this and I think I was good to go. This outfit actually came out pretty chic to my surprise. Mujhe lag nahi raha tha itni achhi lagegi, but kafi अच्छी और कंफर्टेबल आउटफिट थी. ओके, सो आफ्टर रीचिंग गोवा द फर्स्ट आउटफिट आई वो वर दीज ज़ारा ब्लैक शॉर्ट्स एंड दिस पिंक ज़ारा टॉप. ये बलून स्लीव्स का टॉप था और मैंने ये पहना नहीं था एक भी बारी. दिस वॉज अ न्यूली बॉट टॉप. आई थिंक ये मैंने कुछ 7-8 मंथ्स पहले लिया था, बट कोई ओकेजन ही नहीं मिला था पहनने का. एंड सेम वॉज द केस विद दोज ब्लैक शॉर्ट्स. आई थिंक द कॉम्बो वॉज लुकिंग प्रीटी डीसेंट एंड नाइस इवनिंग लुक के लिए, बिकॉज वी वर गोइंग टू अ डीसेंट प्लेस, सो आई वॉन्टेड टू ड्रेस इट अप अ लिटिल. द नेक्स्ट डे आई वोर दिस H&M ड्रेस, दिस सुपर ब्राइट येलो कलर ड्रेस. मेरे को ये ड्रेस अपने पे बहुत ही अच्छी लगती है. आई थिंक आई हैव वॉर्न इट ऑलरेडी 3-4 टाइम्स. इट्स अगेन वेरी कंफर्टेबल और बहुत यू नो अच्छी लगी थी पाम ट्रीज और गोवा के साथ. आई थिंक दिस वॉज द परफेक्ट मॉर्निंग डे ड्रेस. तो मतलब इवनिंग वी वर गोइंग टू दिस ब्यूटिफुल रेस्टोरेंट यू नो सनडाउनर देखने. आई वॉज दिस वन शोल्डर कूव्स का टॉप जो मैंने अगेन नहीं पहना था. ये एक साइड से फुल स्लीव्स था और एक साइड कोई स्लीव नहीं थी. इसके नीचे मैंने H&M की एक स्कर्ट पहन, विच इज अगेन दिस ए लाइन स्कर्ट, और इसके साइड में थोड़ा सा स्लिट है. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आउटफिट टू कम आउट सो प्रिटी एंड क्यूट, बट या आई थिंक ये इवनिंग टाइम के लिए एक अच्छी आउटफिट बन गई थी. द नेक्स्ट डे वी वेंट टू दिस ब्यूटिफुल शैक एट कैंडलिम विच इज कॉल्ड कालामारी, एंड उसके लिए आई वोर दिस ब्लैक बॉडी सूट विद शॉर्ट्स. अगेन दिस आउटफिट वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल कैजुअल. मैं ज़्यादा इस दिन तैयार नहीं होना चाह रही थी, बिकॉज यू नो एनी वेज दो दिन से बहुत तैयार हो रही थी, सो फॉर दिस डे सो आई केप्ट इट एब्सोल्युटली कैजुअल. एंड ऑल्सो आई फील दैट शॉर्ट्स आर द बेस्ट थिंग टू वेयर एट द बीच. द नेक्स्ट डे वी वेंट टू द बीच एंड अगेन आई वोर दिस ब्लू शॉर्ट्स. आई वोर दिस रेड ब्रालेट जो मैंने बहुत पहले जिमामी से लिया था, एंड उसके ऊपर मैंने शेन का ये श्रग टाई कर लिया था. एंड आई थिंक अगेन इट वॉज लुकिंग वेरी क्यूट. बीची लोकेशन पे यू कैन डेफिनेटली वेयर फ्लोरल्स, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल जस्ट वेयरिंग अ ब्रालेट, यू कैन कवर योर सेल्फ अप विद अ श्रग, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू यू नो गिव यू दैट डीसेंट अमाउंट ऑफ कवरेज ऑल्सो. फॉर अनदर सनसेट वाइब वाला जो हमारी एक इवनिंग प्लान थी, उसके लिए आई वो दिस बैकलेस मैक्सी ड्रेस विच आई रिसेंटली गॉट फ्रॉम मिंत्रा. दिस वॉज द ओनली ड्रेस विच वॉज न्यूली बॉट, एंड या अगेन आई थिंक एट अ बीची लोकेशन मैक्सी ड्रेसेज आर अ वेरी गुड ऑप्शन. इफ यू गेट देम इन फ्लोरल्स आई थिंक इट्स अ विन विन. दिस वॉज लुकिंग वेरी क्यूट ऑन मी, आई कांट वेट टू वेयर इट अगेन. सो या इन टोटलिटी आई थिंक इफ यू आर गोइंग टू अ बीच और आपके जो वार्डरोब एसेंशियल्स होने चाहिए वो मे बी होना चाहिए बॉडी सूट शॉर्ट्स. आई थिंक मैक्सी ड्रेसेज लुक रियली नाइस. इवन यू नो योर नीलन ड्रेसेज जैसे मैंने H&M की पहनी थी ना ब्राइट कलर, आई थिंक इवन दैट लुक्स परफेक्ट. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग जस्ट अ क्रॉप टॉप, यू कैन ऑफकोर्स वेयर इट विद अ श्रग और वो थोड़ा सा कवरेज दे देगा आपको. एंड आई थिंक फ्लिप फ्लॉप्स आर the absolute best to wear I think is vacation pe, because you know har jagah sand hoti hai and you don't want to wear, of course you don't want to wear boots or heels. So yeah, jo bhi sandals leke jao flats mein hi leke jao, aur agar beach pe ja rahe ho then of course flip flops are the best option. They are easy to wash also. Accessories again you guys can keep it a little bohemian, you can you know have those silver jewelry, bahut hi achhi lagti hai wo outfits ke sath. It really shines through your outfit, and I think bohemian jewelry is the absolute best choice to wear when you are at a beachy location. For hair also I was not doing much, because anyways wahan pe itna humidity hoti hai that your hair really becomes frizzy, aur mere natural hair thode curly wavy hi hain, so I think wo maxi dress ke sath aur waise acche lag rahe the. I think only for some evenings I straightened my hair, otherwise I kept them natural. And of course it's super warm, so I think bun are a great option to do, or a ponytail like I have done today. For makeup also I kept it pretty minimal, especially in the daytime. I think sirf night mein main thoda sa glitter ya shimmer eyeshadow laga leti thi, otherwise it was very natural. Main thoda sa bas hint of color lips pe laga leti thi and mascara, and I was good to go. So yeah guys, this was my Goa lookbook. I hope you liked all of the outfits that I've shown you. Do click on the subscribe button and the like button if you like my video. I'm so happy and excited that I did this series, and also hoping that this was a little informative for you all. So yeah, stay tuned on my channel, and I'm going to be back very soon guys. Bye.